वनडे में प्रयोग की पाठशाला देखने के बाद अब बारी है T20 क्रिकेट की। देखना यहां है कि भारत किस अंदाज में उतरता है मैदान में, कौन कौन होते हैं खिलाड़ी। स्वागत है आपका T20 टाइम आउट हिंदी में, और आपके साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, सबसे पहले आपका स्वागत, और पहला सवाल मेरा यही कि हमने जो प्रयोग की पाठशाला देखी वनडे क्रिकेट में, ऊपर से नीचे तक, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर हो, तो क्या T20 में भी वही कारनामा जारी रहेगा? नहीं, T20 में तो ऑब्वियसली जो दो बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट के वो तो नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रयोगशाला तो नहीं ऑलरेडी है, क्योंकि 10 महीने बाद यहीं पर वर्ल्ड कप हो रहा है वेस्ट इंडीज में, तो इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी हमको देखने को मिलेंगे, तो कुछ नए चेहरे ऑब्वियसली जो बहुत एक्साइटिंग है, तो उनको देखते हुए थोड़ा सा एक्साइटिंग है, क्योंकि यंगस्टर्स है, अच्छे परफॉर्मेंस करके IPL में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रयोगशाला तो है, लेकिन शायद बिगर पिक्चर को नजर में रखते हुए। बिल्कुल, और एक तो जो बड़ी चीज जो शायद सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हमें भी है, तो हम चाहेंगे कि वसीम थोड़ा आप ही बताएं इस पे कि जब विश्व कप का साल है और जब हम ये देखते हैं कि अगर वनडे विश्व कप है तो उस साल वनडे क्रिकेट ज्यादा होती है, अगर T20 वर्ल्ड कप उस साल होना है तो T20 क्रिकेट ज्यादा होती है, ऐसे में T20 की सीरीज होना, वो भी 5 मैचों की, इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ भी आपको 3 T20 खेलना है, ये कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट थोड़ा सा T20 क्रिकेट की तरफ जा रहा है, और ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि क्राउड्स आए, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट ऑब्वियसली वो रिबिल्ड से गुजर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि आप चाहते हो कि 5 वनडे हो और 3 T20 हो, शायद उस वजह से है, और ऑब्वियसली क्योंकि एशिया कप होना है और फिर आयरलैंड में टीम जाएगी तो दो डिफरेंट स्क्वाड्स है, तो बहुत कम डिस्टेंस है दोनों वर्ल्ड कप के बीच में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सरप्राइजिंग तो है, लेकिन ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलो बनिस्बत T20। चलिए, सरप्राइज तो हमने काफी देखे हैं इस दौरे पर वसीम, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, और अब T20 है, वहां पर भी कुछ सरप्राइजेस रहेंगे। इससे पहले कि हम पहले मैच की आपकी प्लेइंग 11 जानना चाहें, कुछ नए खिलाड़ी भी इस स्क्वाड में मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कम से कम T20 का नहीं खेला है, जैसे तिलक वर्मा को आप देख लें, उन्होंने किसी भी फॉर्मेट में भी भारत के लिए डेब्यू नहीं किया है। यशस्वी जायसवाल, उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया, उसके बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंतजार होगा उनको। और तीसरा खिलाड़ी मुकेश कुमार, जिनके लिए टेस्ट का डेब्यू अच्छा रहा, वनडे में भी उन्होंने प्रभावित किया, और अब ऐसा लगता है कि T20 का भी उन्हें वो मुकाम मिल जाएगा अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का, तो इन 3 खिलाड़ियों को क्या आप देख रहे हैं इस श्रृंखला के दौरान? बिल्कुल देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा तो मेरे हिसाब से खेलना ही चाहिए, मुकेश कुमार भी जितना उन्होंने IPL में खेला मुझे इम्प्रेस किया उन्होंने, अपने जो जो उनके पास वेरिएशंस थे और वो जो जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किए, तो डेफिनेटली ये तीनों मुझे लगता है कि आगे का जो इंडियन क्रिकेट जा रहा है उसके चेहरे दिखने वाले। यशस्वी की तो शुरुआत भी जबरदस्त रही है, तिलक वर्मा बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, वो नंबर 3, 4 से 5, 6 कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा ऑफ स्पिन का बॉलिंग की एबिलिटी भी लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय बल्लेबाज जो अब इस दौर में है वो बहुत कम बॉलिंग करते हैं बनिस्बत जो हम पहले देखा करते थे, तो वो थोड़ा सा एंगल भी वो लेकर आते हैं, तो इन दो यशस्वी और तिलक वर्मा के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटिंग हूँ देखने की। और अगर यशस्वी जायसवाल का डेब्यू होता है वो तो मैं आपकी प्लेइंग 11 से हमें अंदाजा मिल भी जाएगा वैसे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जायसवाल का डेब्यू होता है तो फिर एक और कंफ्यूजन बोलें, या फिर हम ये कहें कि जो चीज हमने वनडे में देखी थी कि ईशान किशन से ओपन कराया गया, रोहित शर्मा पहले मैच में मिडिल ऑर्डर में आते हैं और 2 मैच वो खेलते नहीं है, यशस्वी आते हैं, शुभमन गिल भी टीम में मौजूद है, ईशान किशन भी मौजूद है, संजू सैमसन भी मौजूद है, तो ऐसे में आप किससे ओपन कराएंगे? मैं शुभमन और यशस्वी से ओपन कराऊंगा, क्योंकि यशस्वी स्पेशली जिस तरह से उनका IPL गुजरा है और बहुत बढ़िया फॉर्म में, जिस तरह के कॉन्फिडेंस में वो है, तो आप चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रहे, और भारत को चाहिए भी कि वो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब खेले, वो फियरलेस क्रिकेट खेले, और ये यंग खिलाड़ी खेल सकते हैं। ईशान किशन मेरे हिसाब से अगर नंबर 3 खेले
कोई मुश्किल नहीं क्योंकि वो खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए, वो 3-4 पे भी बैटिंग कर चुके हैं, तो मैं शुभमन और यशस्वी से ओपन कराऊंगा। चलिए तो वक्त नहीं गवाते हैं, पहले आपकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं फिर उस पर कुछ सवाल करते हैं। तो वसीम आपकी प्लेइंग 11 पहले मैच के लिए। मेरी प्लेइंग 11 है जैसे मैंने कहा यशस्वी और शुभमन गिल, ओपनर है ईशान किशन मेरे विकेट कीपर होंगे, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर होंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे संजू सैमसन, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे तिलक वर्मा, नंबर 8 पे अक्षर पटेल, नंबर 9 पे कुलदीप यादव, नंबर 10 पे हर्षदीप सिंह और नंबर 11 पे मुकेश कुमार और आवेश खान, आप जिसको चाहिए खिला सकते हैं। मुकेश कुमार की तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव है तो मैं भी मुकेश कुमार। बिल्कुल, आवेश को इससे पहले भी मौका मिला था वेस्ट इंडीज में ही, उन्होंने वो पिछली जो सीरीज थी वो हमें याद है वसीम, लेकिन आपने नंबर 3 पर ईशान को रखा है। मेरा सवाल आपसे इसलिए भी रहेगा कि हमने वनडे में देखा 3 मैच उन्होंने खेला, तीनों में ओपनिंग की और तीनों में 50+ रन बनाए, तो क्या इसके बाद भी जो कप्तान हार्दिक पांड्या उनको छेड़छाड़ करना चाहेंगे उनकी जगह से? आई थिंक थोड़ा फॉर्मेट भी दूसरा है, 50 ओवर से अब आप T20 में आ गए हो तो डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि ईशान किशन नहीं कर सकते नंबर 3 पे या यशस्वी जायसवाल 3 पे नहीं कर सकते। आपको वो शुरू में पावर प्ले में आप जितना फायदा उठा सके, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको प्रमोट करना चाहिए कि उनसे ओपन कराए और उनको बैक करें, क्योंकि वो मुझे लगता है कि फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट। और एक सवाल सब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रहता है, खासतौर से संजू सैमसन के लिए, हालांकि आपने अपने प्लेइंग 11 में उनको जगह दी है, वनडे में आखिरी वनडे में वो टच में नजर आए, अर्धशतक भी उन्होंने जड़ा, हालांकि ऐसा लगा कि शायद और बड़ी पारी खेल सकते थे, विकेट गवा दिया उन्होंने गलत वक्त पर। इस दौरे को कैसे देखेंगे संजू सैमसन? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 50 रन इजीली मुझे लगता है कि 80 या 100 बन सकते थे, क्योंकि जब वो आउट हुए तब 17-18 ओवर बचे हुए थे और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और ये मौके उनको बुनाने होंगे। 50 जनरली लोग भूल जाते हैं जल्दी, जब आप 3 फिगर बनाते हैं तब थोड़ा सा लोगों को याद रहते हैं और इनके पास ये बहुत बढ़िया मौका था। नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप 30 या 31 ओवर तक आपने 50 बना लिए हैं तो आपके पास टाइम था, तो मुझे लगता है कि इवन दो 50 बनाए लेकिन वो डिसअपॉइंटेड होंगे कि इसको वो बड़े स्कोर में नहीं कन्वर्ट कर सके। और इस दौरे में उम्मीद रहेगी एक गेंदबाजी की अगर बात की जाए, जैसे आपने अक्षर पटेल को रखा है, कुलदीप यादव को रखा है, अक्षर पटेल पर कितनी निगाहें होंगी वसीम? शायद वनडे में उन्हें उस तरीके से मौके नहीं मिले, सिर्फ एक मैच में खेलने को मिला जहां पर सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी वो करते हैं, नंबर 4 पर आकर बल्लेबाजी करते हैं, ज्यादा रन बनाते नहीं है, क्या ये मौका होगा? क्योंकि जाडेजा खेल नहीं रहे तो वो फ्रंट लाइन स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर खुद को भुनाएंगे? जी हाँ, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी क्योंकि सामने 3-4 लेफ्ट हैंडर्स है और पावरफुल लेफ्ट हैंडर्स है, कायल मेयर्स है, निकलस पूरन है, शिमरन हेटमायर है, तो एक चैलेंज होगा उनके पास। और हमने देखा है कि जब लेफ्ट हैंडर्स होते हैं तो थोड़ा कप्तान उनसे बॉलिंग नहीं कराता है, तो ये हार्दिक पांड्या के सामने थोड़ा चैलेंज होगा कि अक्षर पटेल के वो 4 ओवर्स किस तरह से वो निकालते हैं। उनका खेलना तो लगभग तय है और जरूरी उनको खेलना भी होगा क्योंकि वो ऑलराउंडर है, लेकिन उनके 4 ओवर करना भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है, तो ये थोड़ा हार्दिक पांड्या के लिए चैलेंज होगा कि कैसे उनके 4 ओवर निकाले। बेशक, और थोड़ी सी अगर मेजबान टीम की बात करें वसीम, तो यहाँ का जो रिकॉर्ड बताता है वो तो भारत के पक्ष में जा रहा है, T20 में जब भी आमना सामना हुआ है भारत ने ज्यादा जीता है। अगर पिछले 5 साल की आप बात करें, 2018 से बात करें, तो यहाँ सिर्फ 2 मुकाबले में हार मिली है भारत को और 17 में 15 में टीम इंडिया को जीत मिली है। ऐसे में मेजबान पर कितना दबाव? इंपॉर्टेंट चीज ये कि उनके कुछ बड़े खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, निकोलस पूरन आ रहे हैं, जेसन होल्डर आ रहे हैं, शिमरन हेटमायर का आपने नाम लिया है, इसके अलावा ओडिन स्मिथ हैं, ओबेद मैकॉय हैं, तो एक पुराने बड़े खिलाड़ी भी नजर आते रहेंगे। कप्तान रोमन पोवेल होंगे, एक युवा कप्तान और अटैकिंग क्रिकेटर जाने जाते हैं वो। जी हाँ, टीम बड़ी अच्छी लग रही है वेस्ट इंडीज की और पावरफुल प्लेयर्स है, पावरफुल बैट्समैन है, बॉलिंग के अंदर भी अच्छी वैरायटी है उनके पास में और अराउंड द लीग्स खेलते रहते हैं ये फॉर्मेट, तो ये बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। और निकलस पूरन और जेसन होल्डर के आने से थोड़ा सा और स्ट्रेंथन हो जाएगी ये टीम। रोमन पावल फिर आएंगे, कप्तान बनकर आ रहे हैं और ये फॉर्मेट थोड़ा सा वेस्ट इंडीज क्रिकेट को सूट भी करता है और आगे वर्ल्ड कप जैसे हमने कहा
वेस्ट इंडीज में होना है, तो इससे बेहतर शुरुआत क्या हो उनके लिए? चलिए तो 2024 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तरीके से इसको देखें तो गलत नहीं होगा। जाते जाते वसीम, एक प्रिडिक्शन तो बनता है आपका, हालांकि थोड़ा सा टफ ही रहेगा क्योंकि टेस्ट वनडे इसमें तो भारत को फेवरेट माना जा रहा था, पर यही एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर लड़ाई कांटे की हो सकती है, क्योंकि पिछली बार मुकाबला जो भारत हारा था वेस्ट इंडीज से T20 क्रिकेट में, उन्हीं के घर में 2022 में अगस्त में हारा था। तो ये 5 मैचों की श्रृंखला में आपका प्रिडिक्शन कितना और किधर? मैं कहूंगा 4-1 भारत की तरफ, इवन दो 3-2 भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत 4-1 से जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। 4-1 से भारत, और उम्मीद हम यही करेंगे कि पांचों मुकाबला हो, बारिश की वजह से कोई मुकाबला भेंट ना चढ़े। दो मुकाबला यूएस में भी खेला जाना है, लॉडर हिल में भी चौथा और पांचवा मुकाबला खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। इस पूरे श्रृंखला के दौरान आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।